वेलकम टू गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर करेंसिस में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात करेंगे बीआरओ ग्रुप के बारे में, यानी बीआरओ ग्रुप की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो कैसे फॉर्म भरना है इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी है 354 पोस्ट है, यानी 10th बेस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने 10वीं पास कर रखी है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसमें टोटल पोस्ट है 354 पोस्ट है, ये 10वीं बेस पे फॉर्म है। ठीक है, इसमें बात करें जैसे ड्राइवर की वैकेंसी है, और इसमें हम बात करेंगे मैकेनिकल की भी है, व्हीकल मैकेनिक की भी है, मल्टी स्किल वर्क MSW पेंटर से भी वैकेंसी आई हुई है। इसमें अपना यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो इच्छुक है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात, इसमें वेटर की वैकेंसी है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप वैकेंसी के बारे में बात करें जिसमें टोटल वैकेंसी, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें 354 पोस्ट है। ठीक है, बीआरओ ग्रुप की वैकेंसी दिखाई हुई है, ठीक है, 10th बेस पे है, जिसमें यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जिसमें ITI बेस के भी फॉर्म भेजे। यदि आपने ITI कर रखी है, जैसे पेंटर से ITI कर रखी है, तो आप फॉर्म भरने की इच्छुक है, बिल्कुल आपकी लाइव वैकेंसी है। जिसमें व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, जनरल की 121 पोस्ट है, SC की 51 है, ST की 28 है, OBC की 64 वैकेंसी है। EWS की बात करें जिसमें 29 पोस्ट है, यानी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बात कर सकते हैं, जैसे कि जनरल के लिए भी, SC, ST, OBC और EWS के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी है 293 पोस्ट। इसी में सबसे ज्यादा पोस्ट है व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है। ठीक है, यानी 10th और आपने ITI पास कर रखी है तो आप फॉर्म भरने की बिल्कुल बहुत आपके लिए वैकेंसी बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर वैकेंसी है, हमने एक प्रिंट निकाल रखा है, इस प्रिंट में लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, साफ साफ वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर है व्हीकल मैकेनिक की, मल्टी स्किल MWS पेंटर की भी है, वेटर की भी वैकेंसियां हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिखाई गई है ड्राइवर की भी वैकेंसी है, यानी ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में बात करें जिसमें टोटल 8 ही पोस्ट है ड्राइवर की। ठीक है, जनरल से और SC की कोई भी वैकेंसी नहीं है, SC के बिल्कुल वैकेंसी नहीं दिखा रखी, ST की सिर्फ 7 वैकेंसी है, OBC की कोई वैकेंसी नहीं है, और EWS की 1 ही पोस्ट दिखाई है। यदि आप लिख इच्छुक हैं तो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको फॉर्म भेजना कहाँ है, फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरना है, वो कैसे भरना है, वो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट फॉर्म भर के बताऊंगा। ठीक है, फॉर्म को आपको कैसे भरना है कि मेरे पास एक फॉर्म प्रिंट आउट है, ठीक है, मैंने फॉर्म प्रिंट आउट ले रखा है, इस फॉर्म को कम्प्लीट भर के हम देखेंगे इस वीडियो में, पूरी बने रहे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कैरियर करेंसीज को। ठीक है, इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी समय समय पर। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सामने, अब हमने आपको बताया कि फॉर्म भेजना कहाँ है, यानी यहाँ पर हम आपको सेंटर लिख के दिखा देता हूँ, इसमें कमांडेंट ग्रिप सेंटर डिकी कैंप पुणे। ठीक है, यहाँ पर आपको एड्रेस देखने को मिल रहा है इसका, कमांडेंट तो गाइज अब हम यहाँ पर फॉर्म को ओपन कर रखा है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, यानी बीआरओ ग्रुप का फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। ठीक है, यदि आपको ये फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है, ये इस वीडियो में आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरू से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोलर नंबर, यानी ये कंट्रोल नंबर ये ऑफिस का होता है, ये ऑफिस वाले ही ऑफिस से यूज रिलेटेड है, यानी बिल्कुल भी आप इसको ना छेड़े। ठीक है, एक और बात, ये जो प्रिंट आउट है ये 75 GSM का होना चाहिए बॉन्ड पेपर पर, तो ये आपका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट स्टेप से शुरू कर लेते हैं अपना फॉर्म, बीआरओ ग्रुप का फॉर्म कैसे फिल करना है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं नोएमो पोस्ट, यानी आपको यहाँ पर फिल करना है अपनी पोस्ट का नाम फिल करना है, जिस भी आप पोस्ट से फिल करेंगे फॉर्म। ठीक है, यानी जो MSW वेटर से, पेंटर से, या ओजीडर ड्राइवर से, या किसी से भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, यानी नाम टाइप करना होगा इसी कॉलम के अंदर, कॉलम से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाए। ठीक है, यानी सेकंड नंबर कॉलम की बात करें तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर फिल करना है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक डिजिट के सीरियल नंबर के अनुसार वैकेंसी दिखाई हुई है, उसे आप जो भी सीरियल नंबर फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जिस पोस्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे, यहाँ पर ये जो कॉलम दिखा रखा है यहाँ पर फोटो से रिलेटेड, यानी इस फोटो को कैसे लगानी है फोटो, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें लिख रखा है साफ साफ अक्षरों में अटेस्टेड गजेटेड ऑफिसर, यानी जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 3 मंथ से ओल्ड पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो। ठीक है, ये फोटो आपको पेस्ट करनी है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में इस फोटो को अटेस्टेड भी कराना होगा आपको। ठीक है, अटेस्टेड करवाने के बाद में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में इस कॉलम के, इसी कॉलम के अंदर ही आपको सिग्नेचर करना है, इस कॉलम के अंदर बाहर बिल्कुल भी नहीं करना है, बाहर करोगे तो अपना फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 4 नंबर कॉलम पे कैटेगरी के बारे में, ये जो आप यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है इन कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, आप जनरल यानी UR से बिलोंग करते हो, या EW से फॉर्म भरना चाहते हो, या फिर SC, ST, OBC, जिससे भी
आप फॉर्म बनना चाहते हो ASM जिनसे भी APS के लिए वो फॉर्म बनना चाहते हो, उसमें यहाँ पर इस तरह से करना होगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। इस तरह से आपको टिक करना होगा, इस तरह से टिक कर सकते हैं, जिस भी आपको पोस्ट से फिल करना चाहते हैं उसी पे टिक कर दें, ठीक है ना। कॉलम नंबर 5 में हम बात करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, यानी इस कॉलम नंबर में आपको 10th की परसेंटेज, यहाँ पर अपनी ITI की परसेंटेज, इन दोनों का टोटल परसेंटेज कितनी होती है इस कॉलम में आपको फिल कर देनी है, ठीक है। सब सपक्षों में आप यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर सेल नंबर कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर यदि आप मुस्लिम क्रिश्चियन से किसी भी आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करें, वरना आप नो कर दें, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले नंबर सीरियल नंबर 7 में EWS से रिलेटेड, यदि आप फॉर्म EWS से फिल करना चाहते हैं तो इस तरह से यस करें, वरना आप इस पर टिक करें, ठीक है। EWS का कॉलम यदि EWS से भरें तो EWS वाले कॉलम पे यस करें, वरना आप नो पे क्लिक करें, ठीक है। अब बात आती है, सबसे मेन बात यही है, कॉलम नंबर 8 में आपका नाम कैपिटल अक्षरों में साफ साफ फिल करना है इस कॉलम में, ठीक है। आपका नाम फिल करना है, यदि आपका नाम 3 स्पेस के अनुसार है, जैसे कि मेरा नाम पूरा नाम है सुरेश कुमार, ठीक है, सुरेश और कुमार में स्पेस है तो एक कॉलम आपको छोड़ना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा पूरा नाम सुरेश आता है, एक कॉलम मैं छोड़ूंगा फिर अगले कॉलम से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कॉलम छोड़ने के बाद में अगले कॉलम से स्टार्ट करना होगा, इस तरह से टाइप करना है। फादर नेम का भी इस तरह टाइप करना है, यदि आपका नाम पूरा, मान लो आपका नाम पूरा सुरेश है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, फादर नेम भी इस तरह से टाइप करना है। 10 नंबर कॉलम में हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, यह कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इस कॉलम में फिल कर दें, ठीक है। साफ साफ अक्षर में कटिंग भी बिल्कुल ना करें, ठीक है, और वाइटनर का बिल्कुल भी यूज ना करें। यदि कटिंग हो जाती है तो पेज को दोबारा से चेंज करके दूसरा प्रिंट फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे 11 नंबर कैटेगरी से, सीरियल नंबर 11 सॉरी, परमानेंट एड्रेस होम का एड्रेस होता है जिसमें पिन कोड समेत फिल करना है, एक होता है हमारा प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। इन दोनों कॉलम को फिल करना है, ना कि आपको, जैसे कि मान लो कि आपने ये वाला कॉलम तो फिल कर दिया कंप्लीट और इसमें आपने लिख दिया सेम एज या फिर डू लिख दिया, इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो गाइज ये फिल करने के बाद में आपको कम्प्लीटली यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे 13 नंबर सीरियल नंबर 13 में, यानी फीस की डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको बैंक का नाम फिल करना है, कौन से बैंक से फी पेमेंट की है आपने, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ फिल करना है, और यहाँ पर आपको पेमेंट ट्रांजेक्शन डेट करनी है, और यहाँ पर आपको फील पेमेंट लिखनी है, जैसे 50 रुपये का आप चालान पे कर रहे हैं तो 50 रुपये इस तरह से लिख दें, इस कॉलम के अंदर ही लिखें, ठीक है। 14 नंबर कैटेगरी में हम बात करेंगे अपनी, यहाँ पर जो 1 कैटेगरी, इसी एक ही कैटेगरी से बिलोंग किया है तो इस वाले कॉलम पे यहाँ पर जो कैटेगरी फिल कर दें, ठीक है। 2 कैटेगरी जैसे जनरल वाले कैटेगरी से फिल करेंगे EWS से, उनके लिए EWS यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक्सरिसमैन, ठीक है, जो हमारा 15 नंबर कॉलम आता है सीरियल नंबर, इसमें एक्सरिसमैन लिखा हुआ है, यहाँ पर सब सब अक्षरों में लिखा है। यदि आप यहाँ पर सेकंड नंबर लिख सकते हैं, सन ऑफ एक्स सर्विस है, रिटायर्ड ग्रिप सेंटर में है, उनके लिए है। सन जो जिनका बेटा, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, फादर ब्रदर का भी यहाँ पर चल जाएगा। NCC आपके पास बी और सी है तो वो भी चल जाएगा, उसको यस करना है। मैं यस से रिलेटेड बात बता रहा हूँ, यदि आपके पास CPL यस है तो ये भी यस कर सकते हैं, J&K में हादसे में हुए हैं तो उनके लिए यस है, वरना आपको नो करना होगा सभी पे। स्पोर्ट्समैन की मार्कशीट है तो वो यस करें, वरना आप इन पे देख सकते हैं कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। यदि यस वाला है तो इस तरह से टिक कर सकते हैं एक कॉलम पे, यदि नो का फिल करना है तो नो पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको टिक करना है, यदि आपको नो करना है, ठीक है, मान लो आपको नो करना है तो उन सभी पे नो टिक करें, इस तरह से टिक कर दें, सभी कॉलम पे टिक करना होगा, एक किसी भी एक कॉलम को नहीं छोड़ना है। अब अगले स्टेप में हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, यानी अपनी क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, यानी आपको एजुकेशन कैसे फिल करनी है वो यहाँ पर आपको दिख लिखे हुए साफ साफ सेक्शन, जैसे 10th यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग का, पास किया आपने, अपने बोर्ड का नाम फिल करना है, इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं, ये फिल करने के बाद में परसेंटेज भी फिल करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर इस कॉलम में ITI बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे टेक्निकल से रिलेटेड, यानी ITI आपको ITI इस वाले कॉलम में फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर ITI लिखें और ईयर ऑफ पासिंग का पास किया आपने वो यहाँ पर लिखें, और अपने बोर्ड से, किस बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से पास किया वो यहाँ पर लिखें, ठीक है। उसके बाद मार्क्स, अपने मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं ITI में, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑब्टेंड मार्क्स लिखने हैं, आउट ऑफ मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पर इस तरह से, यानी इसको लिखने के बाद में आपको परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देनी होगी। फिल करने के बाद में अगली स्टेप आती है हमारी लाइसेंस रिलेटेड, सीरियल नंबर 17 में हम बात करेंगे लाइसेंस। यदि आपके पास LMV लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, तो डेट ऑफ इश्यू यहाँ पर लिख दें, डेट ऑफ
इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिख दें यहाँ पर, और वैलिडिटी कब तक, कितने साल की है वो यहाँ पर फिल कर दें, और रिन्यूअल के डेट यहाँ पर लिख दें कब तक है रिन्यूअल आपका। HMV लाइसेंस से फिल कर रहे हैं, एवी लाइसेंस से हो तो वो यहाँ पर इस तरह से फिल कर दें, सेम वही प्रोसेस होगी इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, यानी आपको एक्सपीरियंस से लगाना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेम ऑफ एड्रेस एंड एम्प्लॉय, जो नहीं आप जो एक्सपीरियंस बनवाया है अपने एम्प्लॉय का वो यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा, ठीक है। किस पीरियड से कब से कब तक स्टार्ट रहा, यानी आपकी मान लो एक्सपीरियंस आपने फिल कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कब से है, जैसे कि आपने किसी भी कंपनी वगैरह में ज्वाइन कर रखा है वो डेट यानी ज्वाइनिंग डेट यहाँ फिल करनी है, और कब तक रहे हैं वो यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क ड्यूटी यानी यहाँ पर लिखना है आपको ड्यूटी के रिलेटेड, जैसे गुड लिख सकते हैं नेचर के बारे में, ठीक है, इस तरह से फिल कर सकते हैं। मंथली सैलरी यानी आपकी मंथली सैलरी कितनी रही है, जैसे यहाँ पर आपको फिल करनी है 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी आपकी सैलरी रही है वो यहाँ पर फिल कर दें। अब यहाँ पर आपको बात यह है यानी वहाँ पर आप टेम्परेरी बेस पे थे या परमानेंट पे थे तो वो यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 19 नंबर कॉलम में BRO ग्रुप से रिलेटेड, यदि आप BRO ग्रुप में पहले से ऑलरेडी यूनिट में लगे हुए हैं तो यानी आपको यहाँ पर यूनिट फॉर्मेशन नंबर फिल करना होगा, किस पीरियड से कब तक ज्वाइनिंग किया वो यहाँ पर फिल कर देनी होगी, और मंथ और इंडिया कितने हो जाते हैं, किस ट्रेड से आप लगे हुए हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और प्रेजेंट स्टेटस आपका क्या है, जैसे कि आपने ज्वाइन कर रखा है या फिर आपने रिन्यू कर दिया, जो भी है वो यहाँ पर दर्शा दें, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीरियल नंबर 20 पे, यानी डिक्लेरेशन हमारा आ जाता है यहाँ पर, फर्स्ट में स्टार्ट हो जाता है प्लेस यहाँ पर आपका फिल करना है, और यहाँ पर किस डेट को फिल फॉर्म भेजना है वो यहाँ पर डेट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लगाना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, इस तरह से करना होगा। अगले कॉलम में हम चलते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड, इन्हें आपको एडमिट कार्ड वाला जो प्रिंट आउट है उसमें क्या क्या फिल करना है यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में। यहाँ पर आपको एक फोटो पेस्ट करनी होगी, चिपकानी है ना कि स्टेपलर लगाना है। अटेस्टेड की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 महीने पुरानी फोटो नहीं चलेगी, 3 महीने के अंडर में ही फोटो चलेगी आपको, ठीक है। इस वाले कॉलम को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये ऑफिस का यूज होगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने नाम से रिलेटेड, यानी इस वाले कॉलम में आपको नाम फिल करना है, और नेक्स्ट वाले अगला कॉलम है इसमें आपको फादर नेम फिल करना है, ठीक है। और जो अगला कॉलम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एड्रेस रिलेटेड, यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। सिग्नेचर था, लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जिस समय आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो इसी समय अपना सिग्नेचर यहाँ करें, और यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी स्टैम्प कर अपना अंगूठा लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उस समय आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पर थंब इंप्रेशन लगाना होगा, इस तरह का यहाँ पर कॉलम लिखा हुआ है, सभी के पर्टिकुलर होगा उस समय के सिग्नेचर हैं, रिटर्न टेस्ट के सिग्नेचर हैं, यानी आपका यही चलेगा, इसमें ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस के सिग्नेचर हैं, इस तरह से ये कंप्लीट एडमिट कार्ड का प्रिंट है, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट यानी इसकी PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर से कन्फर्म कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है, मैं जो भी होगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो करें को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले घंटी तुरंत प्रेस कर ले, इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी समय समय पर, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।